हाय वेलकम टू MAS एनिमेटेड एक्सप्लेनर। ये फिल्म एक हीरो माहिदो माकी की कहानी से शुरू होती है, एक नौजवान लड़के के साथ जो 1943 में पैसिफिक युद्ध के दौरान बेदार होता है, जब उसे अस्पताल जलती हुई आग में देखकर एक फोरिया से लम्हा आता है। लोग अपने घरों को छोड़कर भागते हैं, जबकि माहिदो ने माँ हिसाको, जो आग के जहनुम में फंस गई है, को भीड़ लगाई है। अफसोस के बाद भी उसकी कोशिशों के बावजूद हिसाको आग की शराबत में मुब्तला हो गई, जिससे माहिदो गमजदा हो गया। अपनी दुनिया तबाह होने के बाद माहिदो अपने वालिद शोइची के साथ टोक्यो से दूर जाने का सफर शुरू करता है, जो एक आर्सेनल की निगरानी करता है। जंगी मेहनत की हमायत करते हुए शोइची ने आखिरकार हिसाको की बहन नात्सुको से दोबारा शादी की, जो उनका बच्चा ले रही है। माहिदो के साथ साथ वह नात्सुको के खानदानी मकान पर पहुंचते हैं, एक विस्तृत जायदाद जहां 7 पुराने कनीज रहती है। रास्ते में माहिदो और नात्सुको ने फिदला होकर एक सफेद हिरन को उड़ते हुए देखा, जो क्षेत्र का मकानी जानवर है। माहिदो को दिलचस्पी आ गई, वो सख्ती से उसे पकड़ने की कोशिश करता है उसके रास्ते को यकीनी बनाते हुए, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ नहीं पाता। तलाश करते हुए माहिदो के रास्ते में एक बुर्ज आता है, जो खानदानी क्षेत्र के जमीन में छुपा हुआ है, जहां उसने हिरन के परछाई के बाकियात को पाया, एक राजनामा पैदा करने वाला मौजूदा जो उसकी दिलचस्पी को भड़काता है। कनीजों के एक दफा से माहिदो वापस घर ले जाया जाता है, जहां नात्सुको ने बताया कि बुर्ज की तारीख उसकी जिंदगी के भाई दादा से मुंसलिक है, जो फिजाई दुनियों की तलाश में दाखिल हो गए थे। माहिदो ने नए माहौल में शामिल होने की कोशिशें की उस स्कूल में दाखिल होकर, लेकिन उसे उसके हमराहियों की तरफ से मजाक और दिखाई देने का निशाना बनाया। परेशान और हारे हुए वो अपने आप को जख्मी करने की भी कोशिश करता है, अपने आप को गहरा जख्म पहुंचाता है, जो वो एक गिनती से छुपाता है। उसकी सेहत की फिक्र में शोइची मुद्दई करते हैं, उस स्कूल को मामला हल करने की भेली होती है। रात के रात माहिदो को अपनी माँ की आग की मौत के ख्वाबों से दहशतगर्दी की तकलीफ में छोड़ देता है। उन ख्वाबों ने उसकी नींद को बेचैन कर दिया। एक परागती पलट वो फिर एक बार फिर हरान के साथ साथ गुजरता है, जिसने एक दफा फिर उसे हिरन के साथ मुकाबला करने पर मजबूर किया। हरान ने कहा कि माहिदो की मौजूदगी की दरखास्त की गई है, क्योंकि वो उसे अपनी माँ के पास ले जा सकता है। इस वक्त एक ग्रुप मेंट के माहिदो के जिस्म पर चढ़ने लगती है, लेकिन कनीजों और नात्सुको जल्दी से उनकी तरफ भागती हैं और तीर चलाती हैं, जिससे मेंढकों को छक्का आ जाते हैं। नतीजता माहिदो घट जाता है। जब वो होश में आता है, शोइची उसे बताते हैं कि उन्होंने उस कॉल से माहिदो को वापस कर दिया है। ताहम नात्सुको की सेहत भी खराब हो चुकी है, तो माहिदो उसे मिलाकर जाता है। मसीर जब तीर बनाते वक्त उन्होंने एक ही आयरन के पंख इस्तेमाल किए। इस कार्य के दौरान माहिदो ने नात्सुका को बर्ज की तरफ जाते हुए देखा, लेकिन उसने उसे तोजह नहीं दी। बाद में कनिजों ने नात्सुको की तलाश में जाकर, जो गायब हो गई है, इस बारे में एक कनिज ने माहिदो को मुतल्ला किया और वह हीरोन की तलाश में बर्ज की जानिब मुहज्जित हो गया। अक्सर वो भी उसके साथ रफ्तफा होती है। रास्ते में वो उसे अल्तमाश करती है कि वो दोबारा गौर करे, क्योंकि उसे खदशा है कि यह कोई धोखा हो सकता है। हालांकि माहिदो ने उसकी मशवरे को नजरअंदाज किया। वो हीरोन को मिलाकर हीरोन ने उसे बर्ज की तरफ ले गया, जहां माहिदो ने उसको की झलक मोइला पाया, जो एक सोफा पर लेटी हुई है। जब माहिदो ने उनसे छूने की कोशिश की तो वह गायब हो गई, और यह वाजे हुआ कि यह खुद बत्ती जाली थी। उस पर गुस्सा करते हुए माहिदो ने हीरोन पर तीर चलाया। हीरोन के पंखों की बना पर तीर खुद ब खुद हीरोन को पीछा करता रहा, जब तक कि उसने हीरोन के चोटी में अपनी जगह बना ली, जिससे उसकी चोटी में एक सोराख पैदा हो गया। जब तीर उसकी चोटी में दाखिल होगा तो हीरोन तब्दील हो गई एक छोटा मोटा और बाल्ड आदमी की सूरत में। फिर माहिदो ने उसको मदद में लिए हुए उसकी चोटी से तीर निकालने की दरख्वास्त की और अपनी खालिसी की रहनुमाई का मुतालिबा किया कि अपनी खाला तलाश करें। ताहम उसने इतराफ किया कि उन्हें नात्सुको की मौजूदगी का इल्म नहीं है। अचानक ऊपर से एक शीशा की गुलाबगिरी के एक फूल का इंतजार हुआ, और बर्ज मास्टर बाला तक खड़ा हीरोन को याद देता है कि उसने उसे माहिदो का रास्ता बताने के लिए हुक्म दिया था। इसके बाद हीरोन माहिदो और कनिस को निचले मंजिल तक साथ चलाता है। पहुंचते ही माहिदो को एक अलग दुनिया में एक जजीरा पर पाया जाता है, जहां उसने एक समूह भूखे पेलिकन से मुकाबला किया, जो उसे निगलने के इरादे में थे। इस बीच कब्रिस्तान के दरवाजे खुल जाते हैं उसे आगे बढ़ते हुए। तब एक सेला औरत, जिसे कारिको कहते हैं, उसे देख लेती है और पेलिकन्स को दूर भगा देती है। जब उसने अपने तीर पर हीरोन का पंख देखा तो समझ गई कि पेलिकन्स माहिदो को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हीरोन के पंख की वजह से। माहिदो कारिको के साथ उसकी नाव में जाता है और घर की तरफ रवाना होता है। सफर के दौरान कारिको इस दुनिया में भूतों की मौजूदगी की वजह बताती है। इसके बाद उसने एक बड़ा मछली पकड़ा, और जब उसने अपने घर तक पहुंचा तो उसने वारा वारा को देखभाल की, जो एक छोटी सी मार्शमेलो की तरह होती है और उसकी जन्म के लिए तैयार किया जाता है, जिसकी दुनिया के पराये जन्म में। माहिदो ने मदद की जब कारिको ने बड़ी मछली काटने का तैयार किया।
बाद में माहितो आराम करता है और जब वो जागता है तो उसे देखता है कि वो अपने असली घर में उसे देखने वाली कनिजो की तरह गुड़िया के बीच में है। उसने यह निश्चय किया कि कारिको सच में वही कनिज है जो उसे आत्मा की दुनिया में साथ लाई थी। कारिको के मुताबिक ये गुड़िया माहितो के लिए सुरक्षा करता है। रात को माहितो वॉशरूम की तरफ जाता है जहां उसने हल्की सी रोशनी को देखा। वहां उसने और कारिको ने वारा वारा को बुलंद होते हुए देखा। जब वो एक नई यात्रा की तरफ बढ़ते हैं तो वहीं से खूबसूरत तरीके से उड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें पेलिकन्स ने तुरंत पीछे से घेर लिया जो उन्हें निगलने की इच्छा से भरपूर थे। लेकिन एक युवा महिला जिसे हेमी कहते हैं हस्तक्षेप करते हैं और पेलिकन्स को उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोक देती है। इस घातक मुलाकात के बाद माहितो को घर के पीछे श्रेष्ठ पेलिकन्स के नेता से मुलाकात होती है जो उस दुनिया में मुसीबत में है। जजीरा पर फंसकर पेलिकन्स को जिंदगी चलाने के लिए वारा वारा का भोजन करना पड़ता है। जैसे ही उनकी जिंदगी भी अविरोधी रूप से बदल गई है, उनके आंच भी उड़ने की कला भूल गए हैं, उनकी ऊंचाइयों को छूने कई बरसों की कोशिश के बाद भी उन्हें जजीरा से निकलने में सफलता नहीं मिलती। दुख के मन से श्रेष्ठ पेलिकन चला जाता है। माहितो को गिराने वाले पक्षी के लिए एक कब्र खोदने का जिम्मा दिया जाता है। बाद में हेरोन माहितो को ढूंढता है जो इस गौरवशाली काम के बीच में है। विदा लेते समय वो आखिरी खाना कारिको के पास एक मिनिएचर गुड़िया के साथ शेयर करते हैं। अपनी आभार व्यक्त करते हुए माहितो और हेरोन कारिको को अलविदा कहते हैं और रवाना होने के लिए तैयार होते हैं। जब वो रवाना होते हैं तो कारिको माहितो को एक छोटी सी गुड़िया के रूप में एक आशीर्वाद की निशानी देती है। इसी दौरान असली दुनिया में शोइची माहितो नात्सुको और कारिको की गायबीत के बारे में परेशान है। उनके सभी प्रयासों को पूरा करने के बावजूद किसी को भी खोजने में कामयाब नहीं होता। इस दौरान एक कनिज शोइची को एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बताती है जब सालों पहले एक शहाबी पत्थर इलाके में टकराया जिससे पहले तो लोगों में खौफ फैला, लेकिन 3 दशक बाद शोइची का बड़ा चाचा उसी शहाबी पत्थर के चारों ओर एक मीनार बना। ताहम मीनार की तमीर में नाकाम वाकियात की एक सिलसिला ने नुकसानात और जाने की ज्याया पैदा की। इलावा इस इसाको को 1 साल के लिए अत्यंत राजदारी से गायब हो गई जब तक मीनार तकमील नहीं हुआ, फिर बुद्धनी तरीके से वापस आए। इन सब बातों को सुनकर शोइची अपनी तलवार और दूसरे सामान लेकर उनकी तलाश का आगाज करता है। इस दौरान माहितो और हेरोन साथ आगे बढ़ते हैं और माहितो हेरोन की चोटी में होने वाली छेद को सही करने में मदद करता है जो उसकी प्राकृतिक उड़ने की सामर्थ्य में रोकवा डाल रही है। जब छेद बंद हो जाती है तो हेरोन फिर से तब्दील हो जाता है और वो अपनी सफर जारी रखते हैं। एक सियाह फौजी के घर तक पहुंचने पर नात्सुको की तलाश में उन्हें कई बड़े पैरोट से मुलाकात होती है जो पेलिकन की तरह यहां ले जाया गया था। जबकि माहितो की किया जाता है कि छेदिया धीमी करें जबकि माहितो घर की तरफ जल्दी करता है। ताहम वो दोबारा अलग हो जाते हैं। घर में अंदर माहितो को और बड़े पैरोट्स का सामना होता है जो दावा करते हैं कि वो उन्हें नात्सुको तक ले जाएंगे, लेकिन बदमिजाज मंजिल के साथ। खुशी की बात है कि हेमी दोबारा आती है अपने आत्माहस्ती से पैरोट्स को खोफजदा करने और माहितो की मदद करने के लिए। माहितो हेमी को अपनी कठिनाइयों में शामिल करता है, लेकिन मालूम होता है कि नात्सुको उनकी बहन है। हेमी माहितो को अपने घर की तरफ ले जाती है और बताती है कि उनके बड़े चाचा मीनार मास्टर ने इस दुनिया और दूसरी दुनियों के दरमियान रास्तों की तकमील की है, इसलिए माहितो के घर के करीब और यहाँ भी मीनार मौजूद है। पैरोट्स के हजूम से बचने के बाद हेमी माहितो को बहुत से दरवाजों वाली एक जगह ले जाती है जिनमें से एक उसकी दुनिया में वापस ले जाती है। माहितो शोइची और उसके कनिजों के पास पहुंचता है जो उन्हें और नात्सुको की तलाश कर रहे हैं। जब शोइची दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो पैरोट्स कंबों में दरमियान चले आते हैं और उनको दूर कर दिया जाता है। शोइची का बहादुराना जवाब देते हैं, लेकिन जैसे ही पैरोट्स इस दुनिया में आते हैं वे अपनी असली छोटी शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। माहितो नात्सुको की तलाश में एक महत्वपूर्ण मदद होने के इरादे के साथ अपनी दुनिया में वापस नहीं जाने का फैसला करता है। हेमी उन्हें एक डिलीवरी रूम में ले जाती है जहां नात्सुको मौजूद है, और अपने आविष्कार के बावजूद माहितो उन्हें घर लाने के लिए उत्साहित होता है। ताहम जब वे उत्साहित होते हैं तो कमरे की तबाही अप्रत्याशित तौर पर प्रतिक्रिया दिखाती है जिससे माहितो और नात्सुको दोनों को बंदिश में पकड़ लिया जाता है। अब्दाई गुस्से में नात्सुको का गुस्सा नर्म हो जाता है जब माहितो गलती से उन्हें माँ कहते हैं बजाय बेटे। इस दौरान कमरे की तबाही माहितो को हेमी की तरफ धकेल देती है जो उन्हें हैरान कर देती है। हेमी तुरंत उनके जख्मों का इलाज करती है और मीनार मास्टर से इजाजत हासिल करने की दरखास्त करती है। माहितो और हेमी की बेहोशी में छिप जाती है। ख्वाब में माहितो वार्ड से मुलाकात होती है जो नात्सुको के बड़े चाचा हैं, जो मुख्तलिफ अवदाओं को जाहिर करने वाले पत्थरों का एक स्टैक पेश करते हैं। वो माहितो को एक पत्थर की तरफ ले जाते हैं जो उनकी दुनिया की तख्लीक और ताकत को जाहिर करता है। विजार्ड उसे एक वारिस की हैसियत पेश करता है, उन्होंने उनकी खूनी रिश्ते पर जोर दिया।
माहिडो को महफूजी के हवाले से विजार्ड की तस्दीक के बावजूद माहिडो उन पत्थरों में बदलते बदलते बराह रास्त छेद को महसूस करता है। ताहिम विजार्ड ने माहिडो पर भरोसा करते हुए उसे एक दुनिया बनाने की सलाहियत के लिए इत्माद किया। अचानक ख्वाब खत्म होता है और माहिडो जागते हैं कि वो पेरोट्स की पकड़ में फंसे हुए हैं। हलचल में हीरोन उनके बीच में आकर कुछ पेरोट्स को फरार देता है और माहिडो को आजाद करता है। मिला हुआ माहिडो और हीरोन एक मिशन पर निकलते हैं कि पेरोट्स के कब्जे से हेमी को आजाद करें। ताहिम पेरोट्स का बादशाह हेमी को कब्जा करता है और उसे चीख चीख कर दिखाता है जो कि फूलों से अड़का हुआ है। पेरोट्स का बादशाह मीनार मास्टर के साथ मिलकर अपने फौज के जरिए दुनिया में निजाम बनाए। हीरोन माहिडो को बताता है कि पेरोट्स का बादशाह विजार्ड से हेमी के जरिए एक मुआहिदा करना चाहता है। बादशाह एक मीनार पर कंट्रोल हासिल करने की मुद्दत है और माहिडो की तजावज इसके लिए मुकम्मल जवाब बन सकती है। हीरोन और माहिडो पेरोट्स के बादशाह को भयंकरी से पीछा करते हैं, लेकिन जब उसने उन्हें पीछे से आते हुए देखा तो वो उनकी राह काट लेता है। बाद में बादशाह विजार्ड से मुकाबला करता है और इल्जाम लगाता है कि माहिडो का डिलीवरी रूम में तजावज काबूल नहीं था। वो इस पर इसरार करता है कि माहिडो को अपने कर्मों के नतीजे का सामना करना चाहिए। फिर विजार्ड अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि माहिडो उनका वारिस बने। इसके बाद पेरोट्स का बादशाह रवा चला जाता है जो कि हेमी को विजार्ड की देखभाल में छोड़ देता है। जब हेमी बेहोशी से बेहाल होती है तो उस विजार्ड को गर्मी से लो गए। तब तक हीरोन और माहिडो दलदल से निकलते हैं और एक रास्ता में दाखिल होते हैं जहां बादशाह पेरोट्स भी उनकी पीछा कर रहा है। आखिरकार हेमी और माहिडो एक दूसरे से मिलते हैं और हेमी माहिडो की वापसी पर खुशी का इजहार करती है। उसने इजहार किया है कि विजार्ड माहिडो की मौजूदगी का इंतजार कर रहा है क्योंकि उन्होंने मुख्य आयामों और समयों से 13 पत्थरों को जमा किया है ताकि अमन बना रह सके। ताहिम माहिडो विजार्ड के वारिस बनने के लिए हाजिर नहीं है क्योंकि उसे अपने पर जख्म से छुटकारा होता है कि वो शर से आजाद नहीं है। उसने इजहार किया कि वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं जहां वो हेमी कारिको और हीरोन जैसे व्यक्तियों से दोस्ती बना सकते हैं जो उनको आजमा के मालूम नहीं है। पेरोट्स का बादशाह उनकी बातचीत सुनता है और गुस्से में आकर हीरोन को दबा देता है और माहिडो की ओर बढ़ता है। इब्तदाई तौर पर बादशाह का मकसद मीनार पर कंट्रोल हासिल करना था, लेकिन जब यह उन बातों को नजरअंदाज करता है तो वो गलती से विजार्ड के ब्लॉक्स का तरतीब देता है जो कि गिरने के करीब है। उसने जल्दी से उन्हें अपनी तलवार से काट दिया। तीसरे ब्लॉक्स ने पत्थर और मीनार को एक साथ रखा था और जब पत्थर तबाह हो गया तो मीनार गिर गई। पूरे दुनिया का गिरना शुरू हो गया और विजार्ड अपने नस्ल को आखिरी मर्तबा अपनी दुनिया में लौटने का हुक्म देता है। इस पैगाम को देने के बाद वो खला में गायब हो जाता है। हेमी जिसने उसका शुक्रिया अदा किया आंसू बहाते हैं। सभी लोग दरवाजा छोड़ते हैं, शामिल है नात्सुको और कारिको भी जो अभी आए हैं। माहिडो हेमी को दरवाजा ले जाने की कोशिश करता है लेकिन वो इनकार करती है और बयान करती है कि वो छोटी है और आखिर में उनकी माँ बनेंगी। वो माहिडो के बेटे बनने पर फक का इजहार करती है। उसके बाद वो उसे और नात्सुको को खुदा हाफिज करती है और अपने दरवाजे के साथ कारिको के पास वापस जाती है। जब मीनार गिरती है तो माहिडो नात्सुको हीरोन और एक जमात पेरोट्स दरवाजे से निकल आते हैं। आखिर में पेलिकेन्स भी बच जाते हैं। हीरोन माहिडो से पूछता है कि क्या उन्हें उनकी पिछली जगह याद है और माहिडो सब चीजों को याद करता है। हीरोन कहते हैं कि यह गैर मामूली है क्योंकि लोग उन्हें इस तरह की बातों को भूल जाते हैं। हीरोन माहिडो को दोस्त के तौर पर खुदा हाफिज कहता है। फिर वो अपनी हकीकी शक्ल में तब्दील होकर उड़ता है। बाद में कारिको माहिडो के जेब से निकलती है जैसे ही वो उसे अपनी छोटी शक्ल में देते हैं। माहिडो और नात्सुको शोची के साथ दोबारा मिलते हैं और यह जंग के बाद सभी को बड़ी खुशी मिलती है। 2 साल बाद माहिडो टोक्यो की तरफ रवाना हो रहा है शोची नात्सुको और उसके छोटे भाई के साथ और उससे सिक्योरिटी का दाखिला करता है। उसके साथ कहानी खत्म होती है।